नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग जो कि 1 से लेके 31 जुलाई तक की होगी। ये रीडिंग ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिए और बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसर हो यानी कैंसेरियन हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ इसको जनरल तरीके से ही देखें। हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे। इसमें हम आपके ओवरऑल महीने की जो चीज़ें हैं जैसे कि लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, जॉब हो, बिजनेस हो, ये सारा देखेंगे। हेल्थ हो, कैसे जाने वाला है। और क्योंकि ये लव रीडिंग नहीं है लेकिन लव के बारे में कोई भी बात आता है तो जरूर बताऊंगी। और ये कोई जनरल स्पेसिफिक भी नहीं है। तो ओवरऑल हम देखेंगे आपके पूरे महीने कैसे जाने वाला है जुलाई के। ये रीडिंग में हम पहले 10 दिन के लिए 3 कार्ड निकालेंगे, फिर नेक्स्ट 10 डेज के लिए 3 कार्ड निकालेंगे, फिर उसके बाद जो 10 डेज होंगे उसके लिए मैं 3 कार्ड निकालूंगी और देखूंगी कि आपका ये बग कैसे जाने वाला है नेक्स्ट 10 डेज के लिए 3 कार्ड। फर्स्ट 10 डेज के लिए 3 कार्ड, आफ्टर नेक्स्ट करके 2 बार देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं और एंजल की गाइडेंस। फर्स्ट 10 डेज के लिए आपका वक्त कैसे जाने वाला है देख लेते हैं। कैंसर, मुझे लगता है जो फर्स्ट 10 डेज है जुलाई महीने की, पहले ही मैंने कहा कि ये लव रीडिंग नहीं है लेकिन फिर भी जो भी बातें आएगी, लव हो, मैरिड हो, रिश्ता हो, जो भी हो, तो वो तो हमें जरूरी बताना पड़ेगा। मुझे लगता है जो फर्स्ट 10 डेज है उसके लिए पेज ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ एंड जजमेंट का कार्ड आया है। फर्स्ट 10 डेज में आपका जो मैरिड लाइफ हो या लव लाइफ हो, मुझे लगता है उसमें कुछ प्रॉब्लम चल रहा था पिछले महीने से या पिछले दिनों कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, तो उन प्रॉब्लम का सलूशन निकालने की कोशिश आप करोगे। या तो आप किसी के पास जाके माफ़ी मांगोगे, यूनिवर्स से आप प्रेयर करोगे, अपने अंदर हिम्मत जुटाने की कोशिश करोगे, इनर जो स्ट्रेंथ है उसे इन्हेंस करोगे। साथ ही साथ कुछ बहुत कम लोगों के लिए बच्चों की कुछ बातें हो सकता है, मतलब कोई कोई कंसीव भी कर सकता है, नए मेहमान घर में आ सकता है, उसकी भी तैयारी कर सकते हो, या फिर उसकी वजह से आप रिश्ते को जुड़ने के बारे में सोच सकते हो। जो पुराने परेशानी था रिश्ते में उसे ख़त्म करना, और बच्चों की वजह से कुछ लोग रिश्ते को जुड़ेंगे, कुछ लोग नए मेहमान आ रहा है घर में, इसके इस बातों से रिश्ते को जुड़ने के बारे में सोचेंगे। कुछ लोग जो हुआ है उस चीज़ को भूल के नई शुरुआत करने के लिए भी अपने अंदर हिम्मत जुटाने की कोशिश करेंगे, खुद को अपने पावर को बूस्ट करेंगे। कुछ लोग जो चीज़ हुआ उसे भूलना, दोबारा से लाइफ को देखना शुरू करना, इन चीज़ों के बारे में सोचेंगे। रिश्ते में मेहनत करेंगे, ऐसा है कि रिश्ते में मेहनत करेंगे, गिव अप नहीं करेंगे। खास करके जो एरिया रिलेशनशिप का जो एरिया है, रिश्तों की जो एरिया है, चाहे आप शादीशुदा हो चाहे शादीशुदा ना हो, लेकिन अगर आपके रिश्तों में कोई प्रॉब्लम चल रहा था तो उन चीज़ों में, उन रिश्तों की एरिया में जो है आप काम करोगे। आपको ये लगेगा कि चाहे माफ़ी मांग के हो, चाहे प्रेयर करके हो, चाहे अपने एनर्जीज को बूस्ट करके हो,
पिछली बातों को भूल के अपने आप को आगे ले जाके माफी मांग के या माफ करके कुछ भी करके रिश्ते को सही करना है, ये बात आपके दिमाग में रहेगा। फर्स्ट 10 डेज आपका जो मेन फोकस रहेगा वो रिश्तों के लिए रहेगा। ऐसा नहीं कि पैसे ये वो जॉब, नहीं वो तो है ही है, लेकिन मेन जो आपका जो फोकस रहेगा फर्स्ट 10 डेज का वो रिश्तों के लिए रहेगा। रिश्ते के लिए आप मेहनत करोगे ऐसा दिखाई दे रहा है कैंसर। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हो। फिर हम देखेंगे कि मिडिल 10 डेज जो है उसमें आप की एनर्जी कैसे रहने वाला है जुलाई महीने की। कैंसर देख लेते हैं, मिडिल जो 10 डेज है उसमें आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है कैंसर। जो मिडिल 10 डेज है उसमें आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है कैंसर। जो मिडिल 10 डेज है ना उसमें आप अपने लाइफ को, जैसे बोलते हैं ना कि एक नई शुरुआत करना, जो आप पहले से ही करते आ रहे हो, मैंने की शुरुआत से रिश्ते को सही करना, अपने आप में एक एनर्जी को इन्हेंस करना, माफ करना, माफी मांग लेना, यूनिवर्स से मदद मांगना, ये करके किसी भी तरीके से रिश्ते को सही करने के बारे में आप पहले ही सोच रहे थे। तो मिडिल ऑफ द मंथ जो है, जो मैंने 3 कार्ड निकाले उसमें आपकी जो एनर्जी है वो अपने इमोशन को इनहेंस करने में ही लगा रहेगा। साथ ही साथ आप अपने फिनेंशियल स्टेबिलिटी को भी पाने की कोशिश करोगे। दूसरी बात जो है, आप अपनी लाइफ को दूसरे तरीके से देखने की कोशिश करोगे। आपको लगेगा कि जैसा मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, क्या ये सही है? अगर नहीं है तो दूसरे जिस तरीके से सोचते हैं कुछ सोचना चाहिए। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि जो आप करना चाहते थे रिश्ते में, हो सकता है आपको वो नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिलेगा इन दिनों, तो आपको ये लग सकता है तो मुझे गिव अप कर देना चाहिए। क्योंकि फर्स्ट जो 10 डेज था उसमें आप गिव अप करने के बारे में सोच ही नहीं रहे थे, लेकिन मिडिल 10 डेज में जब ये करते करते आपको लगेगा कि सही नहीं हो रहा है, तब आपको लगेगा मुझे गिव अप कर देना चाहिए और मुझे अपने बारे में सोचना चाहिए, रुक जाना चाहिए अभी, क्योंकि ये नहीं हो रहा है जो मैं कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ बहुत दिनों से, और वो चीज नहीं हो रहा है जो मैं करना चाहता हूँ, तो थोड़ी देर के लिए मुझे रुक जाना चाहिए, मुझे सोचना चाहिए कि किसी और तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर मुझे रुक जाना चाहिए, ये आप सोच सकते हो। क्योंकि जब आप देखोगे आपकी बहुत कोशिश के बाद भी वो चीज उतना सही नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए, तब आपको लगेगा भाई मुझे थोड़ी रुक जाना चाहिए और दूसरों की तरीके से सोचना चाहिए कि किस तरीके से इस काम को करना है। साथ ही साथ फिनेंशियल स्टेबिलिटी तो आपके पास है, जिनके पास कम है, जिनके पास है वो उसको और इन्हेंस करने के बारे में भी सोचेंगे, और अपने लिए थोड़ी सी आपको जो है इमोशनल बैगेज का भी सामना करना पड़ेगा। कुछ लोग थोड़ी डिप्रेशन की शिकार भी हो सकते हैं, इमोशनल बैगेज उनको परेशान कर सकता है, क्योंकि जो चीज़ करने के लिए आप कोशिश किए जा रहे हो वो कोशिश के बाद भी वो उस तरीके से काम नहीं कर रहा, तो ऑटोमेटिकली परेशानी हो सकता है।
अभी हम देखेंगे अंत के 10 दिन कैसे जाने वाला है। इसके लिए हम 3 कार्ड निकालेंगे आपके नेक्स्ट 10 डेज आफ्टर नेक्स्ट जो है मतलब 21 to 31 जुलाई तक का जो वक्त है वो कैसे जाने वाला है आपके लिए। कैंसेरियन यानी कर्क राशि, अंत तक ना आपके लिए मुझे लगता है यूनिवर्स काम करने लग जाएंगे। जब हमारे वश में कुछ नहीं होता है तब एक कोई एक पावर है जो हमें वो चीज दिलाता है अगर उसकी जरूरत हमें होता है। तो मंथ एंड तक जो हो जाएगा आपके लाइफ में एक मेजर चेंजेस आनी शुरू हो जाएगी। टावर के कार्ड आए हैं मतलब कुछ ऐसा कुछ होगा जो होना जरूरी है और उसके बाद आपके लाइफ में अच्छी चीजें होना शुरू हो जाएगा और आपके लाइफ में नए चेंजेस आएंगे, नए परिवर्तन आएंगे। आपका जो लाइफ सर्कल है वो चेंज होने लग जाएगा क्योंकि टावर मोमेंट के बाद हर कुछ चेंज होने लगता है और ये होना जरूरी भी होता है क्योंकि टावर जो होता है अचानक से होता है। तो अचानक से वही होता है जब डिवाइन इंटरवेंशन होता है। तो हम चाहकर तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, चाहकर हम अपने चीजों को सही नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करें। तब हम यूनिवर्स पर तो सरेंडर करते हैं ना। जब हम यूनिवर्स को सरेंडर करते हैं कि मुझसे ये नहीं हो रहा है, मैंने कोशिश किया, जैसे कि मंथ ऑफ मिडिल का जो वक्त है उसमें आपको ये लगेगा कि भाई नहीं हो रहा है, मुझे रुक जाना चाहिए, मुझे दूसरों की तरीके से सोचना चाहिए, तभी डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। और अंत तक मिडिल से लेके अंत तक जो वक्त है उसमें एक टावर का कार्ड आ जाता है। टावर क्या करता है, सब उलट पुलट कर देना है, जो जैसा चल रहा था उसको उलट कर देना है। अचानक से चेंजेस, जिसके अनएक्सपेक्टेड कुछ चेंजेस, अनएक्सपेक्टेड कुछ हो जाना जिसके बारे में हम तैयार नहीं रहते हैं। हो सकता है कोई नया आपके लाइफ में आ जाए, लव लेके, प्यार लेके, आपको घर मिल जाए, आप कुछ विदेश घूमने चले जाओ, आपके लाइफ में स्पिरिचुअलिटी का आगमन हो जाए, आप खुद को स्पिरिचुअली इनहेंस कर लो, आप चीजों को स्पिरिचुअल नजर से देखना शुरू कर दो, कोई नया लव ऑफर लेके आपकी लाइफ में आ सकता है, आपके मैरिड लाइफ या जो भी आपके परेशान थे वो सही हो जा सकता है। क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन के बाद जो होगा वो बहुत अच्छा होगा, बढ़िया होगा, इसलिए मैं कह रही हूँ। क्योंकि साथ ही साथ जो है ये वर्ल्ड के कार्ड आए हैं, आपके लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है जो होना जरूरी है और वो जो होगा वो डिवाइन इंटरवेंशन के बाद ही होगा क्योंकि हम आप तो कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो डेफिनेटली जब डिवाइन आएंगे तभी सब कुछ सही होगा। अभी हम देखेंगे कि एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। Yes, no need to worry, क्योंकि हो रहा है ना ये टावर के साथ साथ जब किसी के लिए वर्ल्ड का कार्ड आ जाता है बैक टू बैक मेजर रखना। फर्स्ट टावर जो होना गलत हो रहा था, नहीं हो रहा था, ये वो खत्म हो जा रहा है और फिर उसके बाद एक नई शुरुआत, वर्ल्ड के कार्ड, नए सर्कल, लाइफ की नई सूचनाएं जिसे बोलते हैं, बहुत अच्छा कुछ होने जा रहा है। तो अभी इसके लिए
आपको एंजल क्या कहेंगे, डोंट वरी के अलावा क्या कह सकते हैं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके साथ डिवाइन है, आपके साथ यूनिवर्स है, जो करेंगे वो आपके लिए करेंगे। देख लेते हैं और क्या कहना चाहते हैं। फॉरगिवनेस, यस, और अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छी बात है। एक आपके लाइफ में जो है चिंता करने की जरूरत नहीं है, दूसरी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, और आपको क्या करना है, फॉरगिवनेस में आना है, किसी को माफ कर देना है। चलो ठीक है, मैंने उसको बहुत समझाया, वो समझे नहीं, उसने मेरे साथ गलत किया, मिसबिहेव किया, लेकिन फिर से अगर वो मेरे लाइफ में आ रहा है तो चलो उसको माफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। जो माफ करता है उसका दिल भी बहुत बड़ा होता है। माफी मांगना भी बड़ी बात है और माफ कर देना भी उससे बड़ी बात होती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।